दोस्तों अभी हमने रिसेंटली वीडियो अपलोड करी कि अगर आप 30 से 35,000 के बीच में लैपटॉप लेना चाहते हो तो उस पर हमने वीडियो बनाई, एंड उसमें मैंने पूछा था कि और किस रेंज में लैपटॉप चाहते हो, तो बड़े सारे क्वेश्चंस आए, उसमें से मैंने अभी एक पिक करा है, धीरे धीरे हम सारे ही पिक करेंगे। तो अब हम आज की वीडियो में बात करेंगे कि अगर आप 40 से 50,000 के बीच में लैपटॉप ढूंढ रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। देखो, पेंडेमिक स्टार्ट होने के बाद वर्क फ्रॉम होम एंड ऑनलाइन क्लासेस का दौर जो है वो स्टार्ट हो गया है। जो लोग मिनिमम बजट लेके निकलते हैं उनके लिए वो वीडियो है 30 से 35,000, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 40 तक सोच रहे होते हैं, बट मैं उनको बोलूँगा कि थोड़ा सा बजट बढ़ाइए तो आपको काफ़ी अच्छा लैपटॉप देखने को मिल जाएगा। तो उसी चीज़ को दिमाग में रखते हुए मैं लेके आया हूँ आपके लिए 40 से 50,000 के बीच में ऐसे लैपटॉप्स जो मैंने चुन चुन के निकाले हैं, एंड सबसे बढ़िया बात दो बोनस लैपटॉप्स आपको एंड में बताऊँगा जो 50,000 से थोड़े से एक्स्ट्रा प्राइस में आते हैं, बट वैल्यू फॉर मनी लैपटॉप्स हैं वो। तो 5 लैपटॉप्स आपको नॉर्मली बताने वाला हूं, दो बोनस लैपटॉप, यानी टोटल 7 लैपटॉप से आज हम बात करेंगे। तो वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी हेल्पफुल फॉर दोस जो एक्चुअली 40 से 50,000 के बीच में लैपटॉप ढूंढ रहे हैं। चलिए वीडियो के साथ बढ़ते हैं आगे। सो दोस्तों, एज यूजुअल वीडियो बनाने से पहले कुछ ऐसे कंसर्न्स दिमाग में मैं रखता हूँ जो लैपटॉप्स में आपको मिलने चाहिए, तो पहले उस पर बात करते हैं। तो हमने कोशिश करी है कि आपको बजट के हिसाब से अच्छा प्रोसेसर मिले, आपको SSD ज़रूर मिले, वेबकैम ज़रूर मिले, विंडोज़ 10 होम ज़रूर मिले, 15.6 इंच या 14 इंच का लैपटॉप हो, लेकिन कोशिश यही है कि आपको फुल HD डिस्प्ले देखने को मिले। एंड मैंने यहाँ पे ये भी कोशिश करी है कि अगर कोई लोग 40 से 50,000 पूरा ही प्रोफेशनल लैपटॉप चाहते हैं जिसमें MS ऑफिस भी हो, तो वो भी लैपटॉप मैंने कुछ इंक्लूड करे हैं। तो चलिए वीडियो के साथ बढ़ते हैं एंड बात करते हैं 5th नंबर पे जो हमने यहाँ पे लैपटॉप रखा है। सो दोस्तों, 5th नंबर पे हमारे पास आता है HP 15S। ये काफ़ी अच्छा लैपटॉप है, 49,000 के करीब आपको मिल जाएगा। Ryzen 5 क्वाड कोर प्रोसेसर के साथ आता है, 3500U, जिसमें 8 थ्रेड्स हैं, 8GB की आपको 24 MHz की रैम मिलेगी, 16GB तक आप एक्सपेंड कर पाओगे, 512GB की आपको SSD देखने को मिलती है M.2। उसके बाद आपको विंडोज 10 होम देखने को मिल जाएगा, डिस्प्ले 15.6 इंच की फुल HD मिलेगी आपको, प्री लोडेड MS ऑफिस होम एंड स्टूडेंट 2019, 1.7 kg वेट है, 3 सेल की 41 Wh की बैटरी, अप टू 6 आवर्स का कंपनी बैटरी बैकअप क्लेम करती है। सो दिस लैपटॉप ओवरऑल एक अच्छा लैपटॉप है, अच्छी स्पेसिफिकेशन, अच्छी परफॉर्मेंस आपको दे देगा, एंड द गुड थिंग इज इट्स टोटली फॉर प्रोफेशनल्स जो MS ऑफिस भी अपने लैपटॉप में ढूंढते हैं। सो यू कैन क्लियरली ऑप्ट फॉर दिस। एंड आपके लिए एक बड़ी सूचना कि डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे, तो कोई प्रॉब्लम, कोई टेंशन नहीं है, आप उन लिंक्स का यूज़ करके इजीली इन लैपटॉप्स को फाइंड आउट कर सकते हो इनकी रिस्पेक्टिव वेबसाइट्स में। ज़्यादातर लैपटॉप फ्लिपकार्ट्स में होंगे एंड कुछ आपको अमेजोन पे भी देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं 4th नंबर वाले लैपटॉप की तरफ। सो दोस्तों, 4th नंबर पे आता है ASUS VivoBook 14 एट द प्राइस ऑफ 43,000, एंड दिस इज माई पर्सनली फेवरेट लैपटॉप एट दिस बजट। आपको Ryzen 5 क्वाड कोर मिलता है 3500U, जो कि 4 कोर 8 थ्रेड के साथ आने वाला प्रोसेसर है, 8GB की आपको रैम मिलेगी, 2400 MHz, 12GB तक एक्सपेंड कर सकते हो, 512GB की आपको SSD देखने को मिल जाती है। उसके बाद विंडोज 10 होम मिलेगा, 14 इंच की फुल HD आपको एंटी ग्लेयर डिस्प्ले देखने को मिलती है, 200 nits के ब्राइटनेस के साथ आती है, 45% NTSC, 1.5 kg वेट, फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिलेगा, 2 सेल 37mAh बैटरी एंड 45W AC पावर अडैप्टर। सो दिस इज फॉर दोज हु आर लुकिंग फॉर अ लाइट वेट लैपटॉप। यू विल बी मिसिंग MS ऑफिस हेयर, बट ओवरऑल अच्छी कॉन्फिग्रेशन है। प्राइस भी इसका जस्ट क्लोज टू 40,000 है, बिकॉज इट कम्स एट द प्राइस ऑफ 43,000। तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहने वाला उन लोगों के लिए जो एक लाइट वेट फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ एक ओवरऑल अच्छी परफॉर्मेंस के साथ लैपटॉप ढूंढ रहे हैं। प्लीज़ इसको मत भूलना कि ये SSD के साथ आने वाला लैपटॉप है, तो ये भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। बढ़ते हैं 3rd नंबर पर आने वाले लैपटॉप की तरफ। तो हमने 3rd नंबर पर रखा है Lenovo IdeaPad S145, 49,990 प्राइस है, कोर i5 10th जनरेशन मिलेगा, 8GB की DDR4, 2666 MHz रैम, 1TB की आपको 5400 RPM की हार्ड डिस्क मिलेगी, 256GB की SSD भी मिलती है, विच इज़ गुड। विंडोज 10 होम मिलता है, 15.6 इंच की फुल HDD आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, प्री लोडेड MS ऑफिस होम एंड स्टूडेंट 2016, 2 सेल 35W और बैटरी, 65W AC पावर अडैप्टर। सो दोस्तों, ये लैपटॉप भी काफ़ी अच्छा है, एक्चुअली ये उन लोगों के लिए है जो एक प्रोफेशनल लैपटॉप चाहते हैं विद MS ऑफिस, बट वो इस चीज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते कि उनका स्पेस कम हो। तो इसमें आपको 1TB की हार्ड डिस्क तो मिलती है, एंड आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को फास्ट बूट करने के लिए आपको 256GB की SSD भी मिल जाती है। सो इट्स ओवरऑल अ गुड कॉम्बिनेशन, 1TB प्लस 256GB, तो ये आप उस केस में प्रेफर कर सकते हो, तो इसलिए मैंने इसको लिस्ट में भी इंक्लूड करा है। हर लैपटॉप की अपनी खासियत रहती है, वो खासियत जो है वो सब्जेक्टिव रहती है,
एंड आपको जो भी चीज़ सही लगे लिंक्स आपको मिल जाएंगे, आप बाय कर सकते हो। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। सो दोस्तों, जो हमने सेकंड नंबर पे लैपटॉप रखा है वो है MI नोटबुक 14 49990 वाला वेरिएंट। ऑल्दो आपको इसमें सस्ता वेरिएंट भी मिलता है, बट हम 40 से 50,000 के करीब ढूंढ रहे हैं। सो मुझे ये पर्सनली वेरिएंट काफ़ी अच्छा लगा तो मैंने इसको इंक्लूड करा। ये इंटेल कोर i5 के साथ आएगा, विंडोज 10 होम मिलेगा, ऑफिस 365 वन मंथ ट्रायल्स का सब्सक्रिप्शन मिलेगी, उसके बाद आपको बाय करनी पड़ेगी। फुल HD की एंटी ग्लेयर स्क्रीन मिलेगी, बट द गुड थिंग इज NVIDIA MX250 2GB DDR5 ग्राफिक्स भी मिलेगा आपको, विच इज़ डिफरेंट। 8GB की DDR4 2666 MHz RAM एंड 512GB की SSD, लाइटवेट लैपटॉप है, जस्ट 1.5 kg, 10 घंटे का बैटरी बैकअप कंपनी क्लेम करती है। द गुड थिंग इन दिस लैपटॉप इज कि ये काफ़ी अच्छा लुक के साथ आने वाला लैपटॉप है। SSD आपको मिलती है, RAM आपको 8GB मिलती है, विच यू कैन नॉट फर्दर एक्सपैंड। बट जो इसको पूरी लिस्ट से अलग करती है वो है 2GB का MX250 का ग्राफिक्स कार्ड। तो अगर आप लाइट गेमिंग भी करते हो तो उसमें आपको काफ़ी सपोर्ट मिल जाएगी, एंड वीडियो एडिटिंग में आप अगर ट्रांजिशंस वगैरह कुछ ऐसे काम करते हो तो वहाँ पे भी आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाएगी, बिकॉज इट हैज़ ए डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड। तो इसका इंक्लूड करने का भी यही मकसद था कि इसमें कुछ तो डिफरेंट था पूरी लिस्ट में। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर वन पे जो हमने लैपटॉप रखा है, बट वीडियो वहाँ खत्म नहीं होती। मैं आपको दो बोनस लैपटॉप्स भी इस वीडियो में बताऊंगा जो थोड़े से 50,000 से ऊपर हैं, बट वैल्यू फॉर मनी है मेरे हिसाब से। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं नंबर वन पे आने वाले लैपटॉप की। सो दोस्तों, जो नंबर वन पे लैपटॉप है वो है डेल इंस्पिरॉन 3505। ये 48,000 का अभी फ्लिपकार्ट लिस्ट हुआ है, एंड ये सिर्फ अभी लिस्ट हुआ है। इसका एक्चुअल प्राइस अभी क्या होगा वो मैं अभी आपको नहीं बता सकता, बिकॉज इसका अभी सेलिंग प्राइस यहाँ पे मेंशन नहीं किया था फ्लिपकार्ट पे। बट ये काफ़ी इंटरेस्टिंग स्पेसिफिकेशन के साथ आता है, एंड देर आर चांसेस कि इसका प्राइस थोड़ा सा कम हो सकता है, बिकॉज 48K जो है वो इसका MRP मेंशन किया है ऐसा। अभी ये बिल्कुल लेटेस्ट लॉन्च लैपटॉप है, आप चेकआउट कर सकते हो। इसमें आपको सेम कॉन्फिगरेशन मिलती है, राइजन 5 क्वाड कोर 3500U, 8GB की रैम, देन 512GB SSD, विंडोज 10 15.6 इंच की फुल HD एंटी ग्लेयर डिस्प्ले, MS ऑफिस होम एंड स्टूडेंट 2016 आपको देखने को मिलता है, 1.96 kg वेट, 3 सेल की बैटरी, अप टू 6 आवर का बैटरी बैकअप कंपनी क्लेम करती है यहाँ पे। तो इट्स अ गुड लैपटॉप। व्हाई आई हैव इंक्लूडेड एंड व्हाई आई हैव यू नो गिवन इट द फर्स्ट प्लेस, बिकॉज लुकिंग एट द स्पेक्स, लुकिंग एट एवरीथिंग, एंड आई डाउट कि इसका प्राइस थोड़ा सा कम जा सकता है जब इसका एक्चुअल यू नो सेलिंग प्राइस आएगा, बट वो नहीं भी हो सकता है। हो सकता है इसका MRP बढ़ जाए एंड सेलिंग प्राइस इतना ही रहे, दैट्स टोटली डिपेंड ऑन द सिचुएशन, बट ऐसा मैं सोच रहा हूँ। तो इसको मैंने नंबर वन पे रखा बिकॉज ओवरऑल ये एक अच्छा लैपटॉप है डेल की तरफ से है, बिकॉज मैंने बड़े सारे लोगों को देखा है जो डेल का ही लैपटॉप लेना प्रेफर करते हैं। तो अब यहाँ पे टाइम आ चुका है कि मैं आपको दो बोनस लैपटॉप्स बताऊं जो मैंने इस वीडियो में इंक्लूड करे हैं, एंड वो बोनस लैपटॉप ऑल्दो 50,000 से थोड़े से महंगे हैं, जस्ट थोड़े से, बट मैं चाहूंगा कि अगर आप उनमें से हो जो 50,000 स्पेंड कर ही रहे थे तो एक बार ही उन दोनों लैपटॉप से नजर डाल लेनी चाहिए आपको। उन दोनों लैपटॉप्स में से खासकर जो नंबर वन पे मैं बताऊंगा, यानी टू और वन पे, जो वन पे बताऊंगा वो ज्यादा अच्छा होगा। तो पहले सेकंड नंबर पे बात करते हैं कि उन दोनों में मैंने सेकंड नंबर पे जिसको रखा है वो है Acer Aspire 5। ये आपको 50,991 का मिलता है, कोर i5 10 जनरेशन मिलेगा, जो भी 4 कोर्स 8 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर, 8GB की DDR4 रैम, 12GB तक एक्सपेंड कर सकते हो, 512GB की SSD मिलती है, विंडोज 10 होम, 14 इंच फुल HD IPS डिस्प्ले देखने को मिलेगी, 48 Wh का 3 सेल बैटरी, 45 Wh का AC पावर अडेप्टर, एंड 10.5 घंटे का कंपनी बैटरी बैकअप क्लेम करती है। ऐसी कॉन्फ़िगरेशन के साथ आपको इससे कम भी प्राइस में मिल रहे हैं, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी है, बट ये इंक्लूड इसलिए किया क्योंकि इसकी डिस्प्ले IPS है एक चीज़, एंड दूसरी चीज़ Acer Aspire सीरीज़ जो है वो काफ़ी अच्छी सीरीज़ मानी जाती है प्रोफेशनल बंदों के लिए, एंड ये लैपटॉप मुझे पर्सनली अच्छा लगा। ओवरऑल Acer की तरफ से है तो आपको कोई ज़्यादा चैलेंज नहीं आएगा, बट वेट, जो मैंने दो बोनस लैपटॉप्स में से नंबर वन पे रखा है उसके लिए आपको ज़्यादा पैसे खर्चने की ज़रूरत नहीं है। 50,000 से थोड़ा सा ज़्यादा स्पेंड करोगे तो आपको काफ़ी अच्छी कॉन्फ़िगरेशन उसमें देखने को मिलती है। तो दोस्तों, वो लैपटॉप है Asus VivoBook 14, एंड इसके लिए आपको सिर्फ 50,991 स्पेंड करने हैं। ये प्राइस तब था जब मैं वीडियो बना रहा था, इट माइट ड्रॉप और इट माइट इंक्रीज, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट आपको लिंक मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, आप चेक अपने हिसाब से कर लेना। तो इसमें आपको राइजन 5 क्वाड कोर 4500U
2.3 से 4 GHz जिसकी क्लॉक फ्रीक्वेंसी है, 8 MB की कैशे है, 6 कोर्स 6 थ्रेड्स के साथ आने वाला प्रोसेसर है। सो द रीजन व्हाई आई हैव इंक्लूडेड दिस लैपटॉप बिकॉज इसमें राइजन 4000 का प्रोसेसर देखने को मिलता है, विच इज़ ए प्लस पॉइंट। अगर आप 48-49 खर्च ही रहे हो तो थोड़ा सा स्पेंड करके आपको एक लेटेस्ट ट्रेंड के अकॉर्डिंगली अच्छा प्रोसेसर मिल जाता है। बाकी वही चीज़ें 8 GB की, लेकिन 3200 MHz की रैम मिलेगी, 16 GB तक एक्सपेंड कर पाओगे, 512 GB की M.2 NVMe PCIe SSD और एक M.2 का आपको एम्प्टी स्लॉट भी मिलेगा, विच इज़ गुड। विंडोज 10 होम 14-inch फुल HD बैकलेट एंटी ग्लेयर डिस्प्ले मिलेगी जो कि 45% NTSC के साथ आएगी। 1.4 kg वेट है, फिंगरप्रिंट सेंसर है, 42 Wh की बैटरी है, 45 W AC पावर अडेप्टर मिल जाता है। सो दोस्तों ये काफ़ी अच्छा लैपटॉप है, आई सीरियसली रिकमेंड कि अगर आप 48, 46, 47, 50 भी खर्च रहे हो तो स्पेंड अ बिट मोर एंड गो फॉर दिस लैपटॉप अगर आप एक प्रोफेशनल लैपटॉप ढूंढ रहे हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आशा करूंगा कि आपको ये सारे लैपटॉप अच्छे लगे होंगे एंड अगर ऐसा है आपको वीडियो में थोड़ी भी वैल्यू लगी है, थोड़ा भी हेल्प हुआ है तो वीडियो को लाइक कर देना एंड फ्यूचर में ऐसी ही वैल्यू और ज़्यादा पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।